क्या नाम है आपका? सुप्रीति। आज आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी यहाँ? देखिए, हमने यहाँ पे गैलेक्सी में अपनी खून पसीने की कमाई लगा के सारा पैसा दिया और ये बिल्डर हमें पार्किंग नहीं दे रहा है। उसने हमसे एक्स्ट्रा पैसे लिए पार्किंग के और वो अभी भी हमें पार्किंग नहीं दे रहा है। हमने अपने वहाँ पे बैनर्स लगाए, कुछ नहीं किया, शांतिपूर्वक बैनर्स लगाए। वो हमें शोकॉस नोटिस दे रहा है, ये कोई बात होती है? वो हमें बुला के बात तो करे। हमने उसे मांगे रखी, हमने तीन मांगे रखी कि हमें हमारी पार्किंग दो, हमें शेयर पार्किंग नहीं चाहिए क्योंकि हमने इंडिविजुअल पैसे दिए हैं। अगर तुम्हें शेयर पार्किंग चाहिए होती तो तुम हमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में बोल देना कि शेयर पार्किंग चाहिए, तो हमें क्यों दे रहा है अभी? और जब हम उसे बोल रहे हैं तो हमें शोकॉस नोटिस देगा इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू अस? ऐसे हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? हरासमेंट है यार। हम लोग सारे मिडिल क्लास लोग हैं, पैसे खून पसीने की कमाई लगा के पैसे देते हैं और दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो इससे अच्छा है जो लोग नहीं फंसे हैं, जो लोग नहीं फंसे हैं वो तो आ जाए ना यहाँ पे। आपने कभी बिल्डर से मिलने की कोशिश की? अरे बहुत बार, अभी कल ही मीटिंग हुई थी, उसने हमारी वो क्वेश्चंस लिए, उसका कोई आंसर नहीं दिया। हमने बोला आप हमें शाम तक आंसर दो, उसने कोई आंसर नहीं दिया और अभी भी आंसर नहीं दिया। इसलिए हम मजबूर है आज यहाँ पे अपना घर छोड़ के आने के लिए, काले कपड़ों में यहाँ आने के लिए। हमें भी एक संडे मिल जाए, हम सब यहाँ पे वर्किंग है, बट हम अपने 3 घंटे 4 घंटे बिल्डर के हाई हाई पे लगा रहे, अपनी आवाज वो कर रहे हैं। बट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर इन सो मच पेन। लोग रहते हुए और यहाँ पर पार्किंग की बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। शाम को हम लोग आते हैं तो पार्किंग नहीं होती, इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन 80 पार्किंग बिल्डर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि कम है, तो वो बोल रहे हैं कि शेयर करो, साझा पार्किंग हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट शेयर्ड पार्किंग। हमें अपनी अलग पार्किंग दी है क्योंकि हमने पे किया मैकेनिकल पार्किंग हमें नहीं चाहिए, वो बहुत झंझट वाली पार्किंग होती है। हमें ईजी लाइफ के लिए, हमने यहाँ पे सोसाइटी में फ्लैट लिया है तो हमें ईजी लाइफ चाहिए, ईजी पार्किंग चाहिए, शॉर्ट शेयर नहीं करेंगे अपनी पार्किंग। मेरा नाम जफर है और ये गैलेक्सी GC3 का निवासी हूँ। हम सभी लोग यहाँ पे जितने भी हैं, कोई आम जनता है, आम जनता है, कोई नेता नहीं है, सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। 3 साल हो गए हमें पोजीशन मिले हुए, हमने अपने खून पसीने की कमाई दी है, अब ये जाके बोल रहे हैं। अथॉरिटी के पास इन्होंने नक्शा जो दिया था उसमें इन्होंने 930 पार्किंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाया, फ्लैट है यहाँ पे 815। इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी ने ऑलरेडी इनको सरप्लस में पार्किंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाया, फिर भी आज ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 80 पार्किंग का जगह घट गया, ऐसा कैसे हो गया?
कई कारण हो सकते हैं, इसके लिए हमने बिल्डर से भी मिला। बिल्डर से मिलने के बाद ये पता चला, या तो इन्होंने, इनका कहना है कि हमने पार्किंग एक्स्ट्रा नहीं सेल किया है। नहीं सेल किया है इसका मतलब कि आपके कहीं ना कहीं प्लानिंग में गलती है, और एक साल हो गए उस एरर को ये फाइन नहीं कर पाए कि आखिरकार पार्किंग कम कैसे पड़ी, जिसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। आज ऐसी नौबत आ गई है कि हम एक दूसरे से लड़ने पे मजबूर हो गए कि अपनी पार्किंग को लगाने के लिए, हमारी तो मांगे सिर्फ तीन है, हमें अब ऐसी पार्किंग दो हम गाड़ी लगा सके, आराम से निकाल सके और सुखीली रह सके। लेकिन इसको भी नहीं सुन रहे हैं। जब हमने इसके लिए प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, बैनर लगाया अपने फ्लैट पे, क्या कर सकते हैं हम, मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग करके देख ली, एक साल में कम से कम 20 बार मीटिंग हुई, कोई बात नहीं हुई, हर बार से ढकोसला मिला है। ढकोसला इसलिए बिल्डर ये चाहता है, उनका एक नया टावर है जो कि अभी पोजिशन मिलना है, वो चाहता है कि इसको पोजिशन दें और फिर हम भाग जाएं, और फिर RWA के सर पे आए, वो अपना किसी तरह से इसको सॉल्व करें। गलती आपने करी है, हम क्यों भुगते हैं। परचेज से पहले आपने क्या ये वादा किया गया था कि आपको ये पार्किंग दी जाएगी सर? ये हमारे डीड का हिस्सा है, ये NBC नेशनल बिल्डिंग कोड जो है उसका ये बायलॉज में है कि आपको पार्किंग देना ही देना है, एक कम से, और ये एग्रीमेंट में भी है, ठीक है। उसके अलावा लोगों ने एडिशनल पेमेंट भी करी है, और ये हमारे पास मेल पे भी है, जबकि पार्किंग को बेचना ये गैर कानूनी है, हमारे पास मेल पे भी है जिसमें बिल्डर ये कह रहा है कि आ जाओ, पार्किंग हमारे पास अवेलेबल है, और 1,00,000 रुपया, 2 या 2 लाख जो भी अमाउंट है अलग अलग पार्किंग के लिए, वो लेके जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ तो आप पार्किंग बेच रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आपके पास 80 पार्किंग कम हो गई, क्या है ये? कहीं ना कहीं धमकी, कहीं ना कहीं ये जो धोखा है, कुछ तो धोखा है, या तो कहीं ना कहीं आप पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, या कहीं ना कहीं हमें शक लग रहा है कि अथॉरिटी से मिलकर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप पार्किंग का समाधान नहीं होता है तो क्या आप करेंगे इसको? हम इसके लिए दूर तक जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर आदमी है, कानूनी तौर पर जो कुछ होगा हम करेंगे, और शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, इसके लिए हम तैयार हैं।